बहुचर्चित एवं लंबित अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जो आगामी 17 नवंबर के पूर्व संभावित है। फैसले को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस कप्तान विनीत जैन के निर्देश पर थानला अनुविभागीय अधिकारी पुलिस MS गवली के नेतृत्व में स्थानीय बस स्टैंड पर आम जनता के मध्य पुलिस ने बलवा ड्रिल का जमकर अभ्यास किया। बलवा ड्रिल के पूर्व SDOP व SDM ने आम जनता को सूचना देते हुए अयोध्या पर माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है उसे सभी सहर्ष सम्मान के साथ स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी को बताया कि किसी भी जाति वर्ग अथवा धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी ना करें। वह सोशल मीडिया व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक आदि पर किसी की भी भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थानला पुलिस सह मेघनगर व काकनवानी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर दो भाग में विभक्त हुई। एक और जहां उपद्रवी टीम बनी, वहीं उन उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस बल की टीम बनाई गई। फिर पुलिस ने ऑपरेशन बलवा ड्रिल स्टार्ट किया। वह पहले तहसीलदार ललित गडरिया ने उपद्रवियों को समझाया, नहीं माने जाने पर क्रमशः लाठीचार्ज, आंसू गैस व फायर द्वारा स्थिति नियंत्रण में कर कानून व्यवस्था बनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनता, पत्रकार आदि उपस्थित रहे। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि भी तैयार खड़े रहे। झकनावदा से मनीष कुमोट की रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र की शांति व्यवस्था बंद करने का प्रयास करेगा, उसके साथ हम इसी प्रकार सख्ती से पेश आकर सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर बिगड़ने नहीं देंगे। आप सब लोग आज इस मॉक ड्रिल में यहाँ पर उपस्थित होकर आपने प्रदर्शन देखा, यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे सभी पत्रकार साथी बंधु हमारे एक अनुरोध पर यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी अपने क्षेत्र के लोगों को, जो भी देहात क्षेत्र से कस्बे से है, उनको कहना चाहूँगा कि अयोध्या फैसले पर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न होने दें। अपने अपने क्षेत्र में संयम रखे, जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। किसी भी पक्ष में फैसला हो, हमें उसके निर्णय को सम्मान देते हुए उसको स्वीकार करना है। हमें किसी भी प्रकार से व्हाट्सएप पर अनर्गल कहीं से भी मैसेज आया, बिना सोचे समझे हमने उस मैसेज को जो है फॉरवर्ड कर दिया, उसका असर कहीं और किस प्रकार से होता है ये आप लोग नहीं समझते। वो मैसेज कहीं और से आता है, वो वास्तविकता क्या है वो आप लोग नहीं जानते और आप लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। इस प्रकार जो है कई लोग जो है बिना सोचे समझे उसको सत्य मानकर कई प्रकार से अपने मन में उस तरह की चीज़ें बना लेते हैं और वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का रूप ले लेती है। इसलिए व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज इस प्रकार से अयोध्या मसले को लेकर आते हैं तो आप लोग ऐसे अनापत्ति वाले मैसेज फॉरवर्ड न करें, ठीक है। साथ में जब भी फैसला होगा खुशी मनाना अलग चीज़ है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के, किसी को अनर्गल नारेबाजी करके, किसी के धर्म के विरुद्ध अनावश्यक गाने बजाकर हमें उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना है, हमें खुशी मनाना है वो अलग बात है, लेकिन हमें उसके साथ अपने आप को संयम रखना है। और किसी भी विशेष वर्ग को किसी भी पक्ष में फैसला है हमें एक दूसरे के उसको जो है नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है। ये आप लोगों को संदेश है और हमारा अनुरोध भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सब यहाँ पर इस प्रदर्शन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।